गाइस वेलकम वंस अगेन टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस कानपुर में एक प्लेस खुली है क्रेजी क्राउड करके। सो एक्चुअली आज मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो मतलब फेसबुक में फीड स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे सडन दिखा कि ये नई चीज़ आई है कुछ कानपुर में, ये पूरा प्रॉपर गेम सेंटर है। तो आज हम जाने वाले हैं, मेरा भाई आदि जाने वाला है एंड सुयश जाने वाले है, तो पहले उनको चल के लेते हैं मॉल रोड से, देन उसके बाद फिर निकलते हैं हम लोग रेव 3 के लिए जहाँ पे क्रेजी क्राउड ये सेंटर बना हुआ है गेम का। तो चलते हैं और वहीं मिलते हैं। सो फाइनली गाइस हो चुके हैं रेडी और अब निकलने का टाइम आ गया है क्योंकि आदि भी रेडी हो रहा है और वो भी हो रहा है, तो चलते हैं इसको। रेव 3 जाना है और जो आज एक्साइटमेंट है ना गाइस, मुझे बहुत ही मतलब एक नेक्स्ट लेवल वाले मुझे एक्साइटमेंट है और गेम्स तो अनदर लेवल के हैं। एक्चुअली मैंने देखे कुछ वीडियोज़ और फोटोज़ मैंने देख के, उनसे ही मैंने एक चीज़ है कि जितने भी मेट्रो सिटीज़ है मुंबई दिल्ली, एक्चुअली वहाँ पर ये गेम्स नहीं आए बट यहाँ कानपुर में आ चुके हैं वो गेम्स। तो वो ले करने के बाद उन सबको आज हम लोग ट्राई करेंगे, जितना से जितना जो भी चीज़ हो चुकेगी तो वो ट्राई कर लूँगा मैं आज वो सारी चीज़ें, और आप लोगों को ये बताऊँगा कि कैसे क्या चीज़ है, क्या प्रोसीजर्स है वहाँ पे जाने के, क्या चार्जेस है। आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स। सो फाइनली गाइस मिल चुके हैं ये दोनों आदि और सुयश, मैंने आपको बताया था एलम को लेके। अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं रेव 3 को और चलते हैं, बिकॉज थोड़ा डिस्टेंस में है अभी, यहाँ से 4-5 किलोमीटर्स है। सुयश ये काम करो तो मेरे साथ जुड़ जाओ, सुयश को भी डालते हैं देन चलते हैं। ₹80 की कटी है हमारी ये स्लिप दोनों और कर चुके हैं फाइनली रेव 3 में एंटर और प्राइस मतलब मज़ा आने वाली है। ये निकले हमारे आदि भाई और ये रहा रेव 3 गाइस, ये रहा रेव 3। सो गाइस एक्चुअली जो बैंडेज बना था, मैं बास्केटबॉल खेल रहा था तो उसका बॉल आके लग गया, जो टैप कर रहा था मतलब एक प्लेयर है तो उसका आगे फिंगर में लग गया, जो पेन था तो डॉक्टर ने कहा बैंड को लगा के उसमें स्ट्रेट रहेगी। ये था गाइस रेव 3, बहुत ही पुराना था, मैं कुछ 1.5 से 2 साल बाद ही आ रहा हूँ, जस्ट बिकॉज जब से मुंबई शिफ्ट हुआ मैं नहीं आ पाया यहाँ पे, तो 1.5 से 2 साल बाद आया हूँ और पेंट वेंट कुछ भी नहीं हुआ, एकदम ख़राब हुआ पड़ा है, पर शायद देखते आगे की क्या है। सो चलते हैं अंदर की साइड में और इन्जॉय करते हैं। चलते ऊपर साइड में, पहले बचपन हम लोग बहुत आते थे यहाँ पे, ये राइड है जंप वाला गेम वाला वो करते थे, और यहाँ पे इस जगह पे फाउंटेन चलता था पहले, तो अभी का कुछ पता नहीं कि फाउंटेन चलता है क्या है। सो चलते अंदर की साइड में। तो चलते हैं अंदर की तरफ, जस्ट मैगडी के बगल में ही बना है, चलते हैं अंदर तरफ, करते हैं आज इंजॉय हम आदि भाई और सुयश, आज तीनों लोग करने वाले हैं। सो फाइनली गाइस कर चुके थे हम लोग एंट्री और थोड़ा सा बात कर रहा था, पूछना था कैसे क्या चीज़ है, मैं अभी आपको सब कुछ बताऊंगा। तो अभी आदि और सुयश में जा रहे हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे लिफ्ट से, तो चलते हैं और वहाँ पे पहले कार्ड इशू कराते हैं, मैं आपको वैल्यू भी बता दूंगा कैसे क्या कार्ड का है। आई थिंक अभी तक का जितने भी शायद ब्लॉग्स हैं मैंने जो देखे 1, 2, 3, 4 ब्लॉग्स, उन्होंने वहाँ पे रेट मेंशन नहीं किए थे क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। तो हम चल गए, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं सब चीज़ों का, वैल्यू का कैसे क्या है। और गाइस जो मैं अपने सामने का व्यू देख रहा हूँ बिल्कुल ही अलग है। और फाइनली एक्चुअली यहाँ पे
कार्ड मिलता है गेम का, सो उसको कराना पड़ता है इशू। और ऐसे कुछ यहाँ पे चार्जेस ही है, 500, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, 5000 रुपीज़। और अगर आप मंडे टू थर्सडे आते हो ना, तो आपको यहाँ पे 30% अभी डिस्काउंट चल रहा है, और फ्राइडे टू संडे 15% चल रहा है डिस्काउंट। सो गाइस, ये है अभी हमारा कार्ड क्रेजी गेम का, तो चलते हैं और इसको यूज़ करते हैं और मस्ती करके दिखाते हैं आपको कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। तो थोड़े भी बच्चों वाले गेम हैं, और मैं चलता हूँ नीचे की साइड जहाँ पे अभी हम लोग थे पहले फ्लोर में, जहाँ से मैंने एंट्री करी थी। ये है रोलर कोस्टर, ये भी है कैसे क्या चीज़, मतलब वीआर पहना के राइड इंजॉय करनी है, इसमें भी शूट करना है। ओके, तो इस पर भी हम लोग शूट कर सकते हैं बैठ के, मल्टी गेम, मल्टीपल गेम। ओके, सो अब से कानपुर वालों में ये सबसे अच्छी खबर है कि आप पबजी अभी तक फोन में खेलते थे, अब आके लाइव खेलो आके यहाँ पे। सो प्राइस भी कम है, 500 से स्टार्ट है, मंडे टू थर्सडे आओ, 30% ऑफ है। फ्राइडे सैटरडे संडे आपका जो वीकेंड होता है उसमें 15% ऑफ है। सो गाइज, यू हैव टू कम ऑन दिस प्लेस एंड ट्राई समथिंग न्यू इन कानपुर। फाइनली मैं हो रहा हूँ रेडी, और ये आयरन मैन गेम है, तो ये जॉय स्टिक्स है इनके, ट्रिगर है, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था, स्वेटिंग होने लगी है। मैं कहूंगा आए ट्राई करो, कौन ट्राई कर रहा है, आदि ट्राई कर रहा है, सूर्य शादी दोनों खेलेंगे ये गेम, ये गेम भाई नेक्स्ट लेवल का है, सूर्य शादी ट्राई करेंगे, चलो आ जाओ भाई। सो गाइस, सूर्य करने जा रहा है स्टार्ट, और सूर्य ऑल द बेस्ट, लेट्स गो। सर्कल सर्कल, हाँ मार 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 सर्कल पे। सो एक्चुअली गाइस, फाइनली हम लोगों ने पहले 500 के लिए थी वैल्यू, तो सोचा था पहले ट्राई करते हैं कम से, फिर से हम लोग अभी वैल्यू लेके आए हैं, और अभी आदि भाई जा रहा है खेल ले। सुयश भाई कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस उस गेम को? खतरनाक था, वीडियो क्लिप देखिएगा, मजा आ जाएगी। कुछ बोलने लायक नहीं, कुछ बोलने लायक नहीं बचा है अभी तक, तो चलते हैं और अभी आदि भाई का देखते हैं आदि भाई क्या रिएक्शन देता है, बिकॉज ये पूरा हिला देने वाला था मटेरियल। सो गाइस, अब आदि भाई जा रहा है, हमने सूर्या स्कूल में ट्राई करा, आदि भाई अब जा रहा है खेलने, अब आदि भाई तो इट्स गो आदि भाई, ऑल द बेस्ट। यस सर। गिरे अबे चू अबे पानी में जाए आदि यार, तो आदि भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस 2 सेकंड बचे थे वरना जीत जाते हम। सब कई ऐसा रहा, और क्योंकि पहली बार खेला है, ट्राई करा है, नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली जीतेंगे, अभी मेरे फ्रेंड्स के साथ भी आने का सीन है, तो चलो अब नेक्स्ट गेम की और साइड चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, आदि भाई अब ये रिवर राफ्टिंग ट्राई कर रहा है सेकंड गेम, और ये भी नया था कुछ, तो वैसे तो सारे गेम देखे हुए हैं, बट ये नया कुछ ट्राई कर रहा है आदि भाई, तो चल रहे हैं। सो आदि भाई कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस? बहुत बहुत। और सांप स्नेक वाला कैसा था? सांप वाला बस खाने से बच गया, वरना खा लेता सांप तो। सो ये हो गया, अभी सुयश जाएंगे नया ट्राई करने के लिए, तो मिलते हैं, मैं नहीं करूँगा ये वाला ट्राई। तो गाइस कैसे लगा नीचे खेल के? मजा आ गई ना, अब चलते हैं गाइस ऊपर, एक
थोड़ा सा वैल्यू बचा हुआ है तो सोचा ऊपर ट्राई करते हैं, नीचे तो उन्होंने ट्राई कर लिया हुआ है, अब ऊपर चल के खेलते हैं गेम। सो गाइस फाइनली अब मैं खेलने जा रहा हूँ स्नाइपर स्ट्राइक में खेलने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये पीछे जर्क मारता है, ये पीछे जर्क मारता है तो आप शूट करते हो ना तो ये पीछे जर्क मारता है। पप्पू तुम्हारा कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा। सो गाइस ऐसे आप लोग भी आ सकते हो यहाँ पे मस्ती करने को क्रेजी क्राउड में। और मैंने स्नाइपर ट्रेनिंग करी, देन उसके बाद आयरन मैन खेला और चलते हैं अब नेक्स्ट की ओर। अब थोड़ा ऐसे निकलते बिकॉज 4:14 हो गया है और चलते हैं आगे की ओर। हेलो गाइस, एक्चुअली आज का आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, हम लोग जो एक्सपेक्टेशंस करके आए थे उससे बहुत अच्छा रहा आज का हमारा ब्लॉग और जो मस्ती हम लोगों ने करी, मतलब गेम्स तो ना नेक्स्ट लेवल है गाइस। और आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ गाइस इस ब्लॉग में क्या चीज़ आपको सबसे बेस्ट पार्ट लगा। और आओ यहाँ पे टाइम स्पेंड करो, गेम्स खेलो, क्योंकि जब तक जीवन में मस्ती नहीं होगी तो जीने का कोई मज़ा नहीं है। सो गाइस मैं यहीं से आज का ब्लॉग साइन ऑफ करता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।